Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइज आज के इस एपिसोड में गाइज हम लोग बात करने वाले हैं WWE के WrestleMania Backlash 22 के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। गाइज जो WrestleMania Backlash का इवेंट है गाइज वो अब लगा 3-4 वीक्स की दूर है और गाइज WWE के इवेंट में गाइज पहले से हमको देख के लग रहा है कि वो बहुत ही शॉकर्स प्लान है। पहले से वो WrestleMania Backlash गाइज वहाँ पर गाइज WWE ने WrestleMania का नाम लिया है जो डायरेक्टली हमको हिंट करता है कि हमको बहुत ही बड़े बड़े चीज़ें ये इवेंट में होते हुए देखने वाले। जैसे आज के दिन यही बात करने वाले कि क्या हो सकते हो तीन बड़े सरप्राइज जो हमको WWE के WrestleMania Backlash के इवेंट में होते देख सकते हैं और शॉक कर सकते हैं। सो गाइस पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए, ये आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली अगर आप WrestleMania Backlash का इवेंट देखने वाले हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइज नंबर 3 और गाइज हमारे आरके ब्रो का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप विन। गाइज आपको तो पता है गाइज कि जो आरके ब्रो है गाइज वो उनके रॉ टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखने वाले अगेंस्ट द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस द उसोस। जब गाइज द उसोस भी गाइज उनके स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखते हुए दिखने वाले और गाइज जो भी बनना गाइज ये मैच गाइज वो हमको बनते हुए दिखेगा द न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस। और गाइज मुझे देख के लग रहा है कि जो आरके ब्रो की टीम है गाइज वो मोस्ट प्रॉब्ली गाइस मैच जीतते हुए दिखने वाले क्योंकि जो आरके ब्रो की टीम है गाइस वो ऑब्वियसली बहुत ही बड़ी फैन फेवरेट टीम है। मानते हो उसोस गाइस वो रोमन रेंस के साथ अलाइन है गाइस उनको ज्यादा एक्सपीरियंस तो आरके ब्रो गाइस तब से गाइस टीम में गाइस तब से फैंस पूरे पागल हो गए ये दोनों ही सुपरस्टार्स को लेकर। ये टीम में गाइस रैंडी ऑर्टन जो कि गाइस वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार है WWE गाइस और एक फैन फेवरेट सुपरस्टार है गाइस वो भी ये टीम में जो फैंस है गाइस वो पहले दिन से गाइस टीम में बहुत ही पागल हो गए। इसलिए गाइस पॉसिबली गाइस जरूरी एक अच्छा फील गुड मोमेंट देने के लिए और हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए पॉसिबली गाइस आरके ब्रो को ही ये मैच जीतते हुए देख सकते हैं। गाइस इन द एंड गाइस एक और भी चीज है जैसे उसोस गाइस वो अभी गाइस अलाइन है रोमन रेंज के साथ जो गाइस रोमन रेंज गाइस WWE कंपनी गाइस अभी फिलहाल गाइस नंबर 1 फोकस है। गाइस रोमन रेंज गाइस कंपनी में अभी एक लौटे वर्ल्ड चैंपियन है गाइस ओनली वर्ल्ड चैंपियन इन WWE। इसलिए रोमन रेंज की जो बात है गाइस वो बहुत ही आगे है लेकिन गाइस हम देखते हैं कि उसोस गाइस वो रोमन रेंज के साथ अलाइन है अभी। गाइस आप भी सोचोगे जो बनता है रोमन रेंज के साथ है इनडायरेक्टली गाइस उसको भी बहुत ही ज्यादा अटेंशन मिलता है तो क्या पॉसिबली WWE गाइस ये पर्सपेक्टिव से द उसोस को देते हैं। मुझे दोनों ही गाइस पॉइंट स्ट्रांग लगते हैं कि आरके ब्रो फैन फेवरेट है और उसोस रोमन रेंज के हैं किसको मैं सबसे ज्यादा फेवरेबल रखूं। मुझे लगता है गाइस हमें मोस्ट प्रोबेबली गाइस प्रेफर करूंगा आरके ब्रो को क्योंकि गाइस जो आरके ब्रो गाइस बहुत ही बड़ी फैन फेवरेट टीम है और जो रैंडी और लुलू की टीम है गाइस ये गाइस एक पॉसिबली गाइस थोड़े महीने में ब्रेकअप तो कर लेंगे क्योंकि पॉसिबली गाइस बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री अचीव करना चाहिए आरके ब्रो की टीम क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली गाइस थोड़े महीने में उनका ब्रेकअप भी करते हुए देख लेंगे आरके ब्रो की टीम को ही जिताते हुए दिखाने वाली है क्योंकि आरके ब्रो एक फैन फेवरेट टीम है और ये टीम में गाइस रैंडी ऑर्टन इसलिए मोस्ट ऑफ द आरके ब्रो की टीम है गाइस वो हमको द न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस बनते हुए दिखने वाले है। फिर गाइज नंबर 2 पर रखा है गाइज हमारे ऑस्टिन थ्योरी का यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप विन। गाइज आपको तो पता है वो WWE गाइज वो हमको पॉसिबली एक फ्यूड दिखा रही है फिन बैलर और ऑस्टिन थ्योरी के बीच जो कि गाइज लीड करते हुए दिखने वाली है इनके यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच के लिए। हाँ अभी आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि हमको कमिंग रॉ के एपिसोड में इनका मैच दिखने वाला है फॉर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। मेरे को लगता है गाइज कि ये मैच गाइज कोई तो नो डिस्क्वालिफिकेशन काउंटर में एंड होने वाला है और हमको WrestleMania Backlash में गाइज इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच दिखने वाला है फॉर WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इसलिए गाइस तो तभी गाइस इनका WrestleMania Backlash मैच होगा मुझे लगता है सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं ऑस्टिन थ्योरी को फिन बैलर को हरा के बनेगी द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन क्योंकि जो ऑस्टिन थ्योरी है गाइस वो WWE एक रेयर हॉट थिंग होगा ना। मैं मानता हूं वो चीज नहीं बोल रहा हूं लेकिन ऑस्टिन थ्योरी गाइस जो अपकमिंग स्टार्स है गाइस उसमें एक रेयर हॉट थिंग है। तब से गाइस विंस मैकमैन ने ऑस्टिन थ्योरी के साथ आना चालू किया गाइस फैंस को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया है ऑस्टिन थ्योरी में। ये चीज हमको क्लियरली हिंट कर देगी जो विंस मैकमैन है गाइस वो ऑस्टिन थ्योरी को बहुत ही मानने लगे क्योंकि जो विंस मैकमैन है जो बंदा गाइस इतने सालों से 3-4 साल से गाइस WWE के टेलीविजन पे सारा अपीयर नहीं हो रहा था गाइस वो सीधा गाइस ऑस्टिन थ्योरी के लिए रेगुलरली गाइस हमको सर्वाइवल सीरीज से WWE के टेलीविजन में अपीयर होते दिख रहे हैं। तब से गाइस वो ऑस्टिन थ्योरी के एज अ मेंटर अपीयर होते हुए दिख रहे हैं और अभी क्या दिख रहेगा कि ऑस्टिन थ्योरी गाइस विंस मैकमैन के बहुत ही अच्छे दोस्त हो गया। इसलिए गाइस ऐसी चीज देख के लग रहा है कि विंस मैकमैन गाइस ऑन स्क्रीन गाइस ऑस्टिन थ्योरी से बहुत ही प्यार करते हैं।
गाइस अभी बिहाइंड द सीन्स की बात करते हैं, तो बिहाइंड द सीन्स के जो लोग हैं गाइस क्रिएटिव टीम में गाइस, वो ऑस्टिन थ्योरी गाइस द नेक्स्ट जॉन सीना वांट है गाइस। आप लोग बिल्कुल सही है गाइस, जो बिहाइंड द सीन्स जो लोग काम करते हैं गाइस क्रिएटिव के हेयर, बाकी सब लोग विंस मैकमैन गाइस, वो ऑस्टिन थ्योरी को द नेक्स्ट जॉन सीना मान रहे हैं, क्योंकि जॉन सीना भी तभी उनके एज के थे गाइस, वो भी ऑस्टिन थ्योरी की तरह ही गाइस काम करते थे, ऐसा पीछे के लोगों को लग रहा है बिहाइंड द सीन्स, और उनको लगता है कि ऑस्टिन थ्योरी को भी एक जॉन सीना टाइप पुश देना चाहिए। जैसे विंस मैकमैन है, क्रिएटिव के लोग गाइस वो ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर गाइस बहुत ही ज्यादा पागल हो गए, ये सबसे गाइस बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ऑस्टिन थ्योरी को एज अ बिग स्टार बिल्ड करने के। ऑस्टिन थ्योरी ने गाइस हमको गाइस लास्ट टू लास्ट वीक ही गाइस WWE के वन ऑफ द टू टॉप चैंपियंस को पिन करते हुए भी दिखे, जो कि थे गाइस रिकोशेट और फिन बैलर। इसलिए गाइस WWE गाइस क्लियरली हिंट कर रही है कि वो ऑस्टिन थ्योरी को एज द नेक्स्ट बिग थिंग बिल्ड करते हुए दिखा रही है। इसलिए पॉसिबली गाइस WWE गाइस ऑस्टिन थ्योरी का मोमेंटम चालू रखने के लिए उनको यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी जीताते हुए दिखाने वाली है, क्योंकि गाइस WWE का गाइस यही मेरे को प्लान लगता है। मुझे भी गाइस अंदर से लग रहा है कि ऑस्टिन थ्योरी गाइस हमको जल्दी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हुए दिखने लगे, क्योंकि जो फिन बैलर है गाइस वो एक अच्छे चैंपियन है, अच्छे सुपर, तब से वो चैंपियन बने गाइस WWE गाइस उनको अच्छे से बुक किया ही नहीं है। पहली चीज गाइस वो रसल मीना 38 है गाइस, आप भी सोचो गाइस कौन सा चैंपियन रसल मीना का इवेंट मिस करता है, फिन बैलर ने गाइस तभी रसल मीना का इवेंट भी मिस कर दिया। इसलिए गाइस क्लियरली कोई इतने बड़े प्लान्स है नहीं फिन बैलर के लिए, पॉसिबली गाइस हमको रसल मीना बैकलैश में तभी मोस्ट प्रोबेबली यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए फिन बैलर और ऑस्टिन थ्योरी का मैच देखने गाइस। जो फिन बैलर है गाइस वो हमको ये मैच में हारते हुए दिखने वाले, और जो कि गाइस हमारे ऑस्टिन थ्योरी गाइस वो हमको मोस्ट प्रोबेबली ये मैच जीतते हुए दिखने वाले और बनेंगे द न्यू WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। फिर गाइस नंबर वन पे हम लोग बात करने वाले हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का मैच अगेंस्ट शिंजुके नाकामुरा। गाइस ये वीक के स्मैकडाउन के एपिसोड में गाइस ना हमको रोमन रेंस दिखे ना हमको शिंजुके नाकामुरा दिखे, गाइस ये चीज क्या होगा। लास्ट वीक गाइस WWE ने को हिंट किया कि हमको नेक्स्ट फ्यूड दिखने वाले बिटवीन रोमन रेंस एंड शिंजुके नाकामुरा, अभी क्या दिख रहे गाइस दोनों ही स्टार्स ये एपिसोड में अपर ही नहीं होते, नहीं क्या ही WWE हमको हिंट कर रही है। तो पॉसिबली गाइस जो WWE गाइस हमको रेसलमेनिया बैकलैश में शिंजुके नाकामुरा वर्सेस रोमन रेंस का मैच दिखाने वाले पर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, तो हम ये बात करेंगे गाइस ये मैच तो किसके सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं जीतने के। नहीं गाइस हां मैं मानता हूं कि आप में से बहुत लोग बोलेंगे, मैं भी खुद ही मान रहा हूं कि रोमन रेंस गाइस ये मैच हारते हुए दिख नहीं सकता, क्योंकि आप भी सोचो गाइस ये जो गाइस रोमन रेंस है गाइस वो अब लग रहा है ड्रीम रन यानी गॉड मोड पे, यानी क्या गाइस शिंजुके नाकामुरा जैसा स्टार जिसको लोगों ने इतना बिल्ड नहीं किया है पास्ट फ्यू वीक्स से, क्या वो रोमन रेंस को हरा पाएगा गाइस? इसके चांसेस बहुत 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 कम है, क्योंकि आप भी सोचो गाइस शिंजुके नाकामुरा गाइस जो बंदा गाइस इतने हफ्तों से गाइस कभी हारता है कभी जीतता है, क्या वो बंदा आगे सीधा रोमन रेंस को? मुझे इस चीज वजह से मुझे सेंस समझते नहीं है कि गाइस WWE में एक ही वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो कि रोमन रेंस के पास है, तो उन्होंने कैसे गाइस शिंजुके नाकामुरा को सिलेक्ट किया। मैं मानता हूं गाइस कि शिंजुके अच्छा स्टार है, उसको अच्छे से बिल्ड नहीं किया, लेकिन जो भी बंदा रोमन रेंस को चैलेंज कर दिख रहा है वो एक अच्छा बेल्ट सुपरस्टार होना चाहिए जो इन द पास्ट फ्यू मंथ्स गाइस अच्छे से काम किया और बड़े बड़े विंस लिया। आउट ऑफ द बॉक्स शिंजुके नाकामुरा का मैच करा रही है अगेंस्ट रोमन रेंस, तो पॉसिबली ये चीज हमको क्या हिंट करते हुए दिख रही है। तो गाइस पॉसिबली गाइस WWE को लगा रहेगा कि रेसलमेनिया बैकलैश में रोमन रेंस के लिए ज्यादा और बड़ा अपोनेंट नहीं रखते और एक थोड़ा सा अपोनेंट ही रखते, क्योंकि पहले से रेसलमेनिया बैकलैश में बहुत ही बड़े बड़े मैचेस जैसे कि गाइस रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर, आरके ब्रो वर्सेस द उसो, WWE सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा एक छोटा मैच रखते हैं रेसलमेनिया बैकलैश, क्योंकि सब आप भी सोच रहे हैं रोमन रेंस को एक बड़ा मैच मिल जाता है रेसलमेनिया बैकलैश, तो गाइस पूरा अटेंशन रोमन रेंस ये मैच को मिलते हैं। पॉसिबली दिमाग लगा के सोचा रहेगा कि रोमन रेंस को छोटा मैच देते हो फैंस इक्वली दूसरे मैचेस को भी देखेंगे, और पॉसिबली कर सकते यही प्लान है, उन्होंने शिंजुके नाकामुरा को एज नेक्स्ट ओपोनेंट रोमन रेंस को सिलेक्ट किया है। तो बस किसके सबसे ज्यादा चांसेस बनेंगे मैच में जीतने के गाइस? मैं तो बोलूंगा 99.9% गाइस रोमन रेंस के ही चांसेस बनते हैं वो मैच जीतते हुए दिखने वाले, क्योंकि मुझे गाइस कौन से मेरे दिमाग में नहीं चल रहा इसी सोच के कि शिंजुके नाकामुरा रोमन रेंस को हरा के नेक्स्ट चैंपियन बनेंगे। गाइस नो हेट अगर शिंजुके नाकामुरा, लेकिन शिंजुके नाकामुरा को गाइस इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया नहीं है, मैं मानता हूं उनको फेवरेट सुपरस्टार उनको भी थोड़ा सा गाइस मिलना चाहिए पुश, लेकिन गाइस मुझे तो पुश की जल्दी अभी नहीं, क्योंकि शिंजुके नाकामुरा गाइस उनको थोड़ा आगे जाकर पुश करेंगे। अभी लगा मुझे लगता है कि रोमन रेंस जिसने गाइस ये रन में ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, डैनियल ब्रायन, एज
ज़करबर्ग, केविन ओवेंस जैसे बड़े बड़े स्टार्स को हराए, वो ऐसे शिंजुके नाकामुरा के सामने हारना चाहिए गाइस मोस्ट प्रोबेबली। तभी गाइस हमको WWE के रेसलमेनिया बैकलैश 22 के इवेंट में मैच दिखने वाला है फॉर WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। गाइस मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ द करंट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस गाइस शिंजुके नाकामुरा को हराते हुए दिखाने वाले, और वो सक्सेसफुली गाइस वो सक्सेसफुली शिंजुके को पिन ने तो सबमिट कर गए उनकी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिखने वाले एट WWE रेसलमेनिया बैकलैश 2022। और गाइस अगर जर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाए जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।